Okay, so welcome back again. It's day 22, and today we'll be solving this uh, number of good paths. So, I don't have my pen table today, so this would be a very high level editorial of the problem. And also, the prerequisite to solve this problem is actually DSU and Union Find. You need to be aware of those concepts. So, if you want to read, like this is a very nice editorial, it will explain you everything like what is DSU, and then there are two concepts in DSU which actually optimize the whole tree that is Union Fine and path compression. So, I would suggest you read this.

सो so, तुम्हें ऐसे पाथ्स बताने सो so, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द पाथ शुड बी ऑफ द सेम वैल्यू जैसे थ्री से लेके कर थ्री मतलब वन से लेके कर फोर एंड वन का वैल्यू भी थ्री है फोर का वैल्यू भी थ्री है सो दैट इज़ अ पाथ एंड उस पाथ में स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू तो सेम हो गया और उनके बीच जो भी वैल्यूज़ है ना उनका लाइक उनके बीच जो भी नोड्स है उनका वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू थ्री सो जैसे यहाँ वन से लेके कर फोर एक पाथ है क्योंकि उसका स्टार्ट भी एंड है और एंड भी थ्री है एंड स्टार्ट भी थ्री है एंड एंड भी थ्री है एंड उसके बीच जो भी नोड्स है उनका जो वैल्यू है जैसे वन ये टू उसका जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन दिस थ्री सो दोज़ आर दी टू कंडीशन ऑफ अ गुड पाथ एंड यू हैव टू गिव द काउंट ऑफ गुड पाथ्स सो एडिटोरियल से तुम्हें ये तो समझ आएगा कि एवरी सिंगल नोट इज़ अ लाइक वो खुद ही एक गुड पाथ कंसिडर होगा क्योंकि वहीं से वहीं ख़त्म होने वाले तो ऑब्वियसली करेक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू बोला है द सेकेंड हिंट इन दिस प्रॉब्लम इज़ लाइक मुझे भी हिट्स देखने पड़े लाइक like, डिस्कशन देखना पड़ा दिस वॉज अ टफ प्रॉब्लम द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अब्जर्व यर इज़ कि तुम्हें ना लोएस्ट वैल्यू मतलब लोएस्ट वैल्यू नोड से लेके हाई वैल्यू नोड जाना है अभी उसका एडवांटेज क्या और फिर डी एस यू तुम्हें हेल्प कैसे करता है सो फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम अभी सबसे लोएस्ट वैल्यू नोड यहाँ पे कौन सा है ठीक है मैं कमेंट्स में जितना समझा सकता हूँ मैं बताता हूँ सो लोएस्ट वैल्यू नोड तुम्हारा कौन सा है uh, हाँ सिर्फ यू सी स्ट्रीम है तुम्हारा लोएस्ट वैल्यू नोड इज़ वन और उसकी है, ये लाइक जो ये वाला वन है ना थ्री और जीरो को जो असाइंड है वो वैल्यू वन एंड वो कौन से कौन से नोड्स के पास है जीरो एंड थ्री सो फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद दो नोड्स तो तुम क्या करोगे ना तुम उस नोट्स पे जाओगे तुम बेसिकली ज़ीरो एंड थ्री के नेबर्स पे जाओगे थ्री के नेबर्स पे जाओगे एंड यू विल चेक सो सपोज़ तुम जीरो के नेबर में गए ठीक है तुम जीरो के नेबर like के लाइक नेबर पे गए जीरो एंड जीरो के नेबर पे है नोड वन एंड नोड टू अभी उन दोनों में से हम लोग बस ना यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बस वैलिड एजेस कंसिडर कर रहे तो यहाँ पे जीरो और वन वाला एज इज़ नॉट वैलिड क्योंकि हमें बेसिकली वही नोट्स चाहिए जिनका वैल्यू वन से छोटा है करेक्ट तो ये दोनों ही इनवैलिड एजेस है सिमिलरली अगर मैं अभी नोड uh, वन पे आ जाऊँ सॉरी ये नोड थ्री पे आ जाऊँ नोड थ्री के क्या क्या नेबर्स है नोड थ्री का नेबर है बस ये वाला नोड विच इज़ टू अगेन दैट्स लाइक दैट्स इनवैलिड क्योंकि नोड टू का वैल्यू ज़्यादा है तो अभी के लिए कोई भी नोड का हमने यूनियन नहीं किया है फिर तुम सेकेंड नोड पर आ गए विच इज़ तो तुमने ऐसे ऐसे किया ठीक है मैं लास्ट पर जाता हूँ तुम जैसे ये थर्ड ये ये नोड पर आया जिसका वैल्यू थ्री है तो कौन कौन से नोड्स का वैल्यू थ्री है दैट इज़ वन एंड फोर सो वॉट यू डू ओवर यर इज़ तुम अभी इनके नेबर्स पे जाओगे सो so, जब तुम और अज्यूम और अब तक तो मैं ये तो पता ही चल गया हो कि मैं इस वन के बाद टू पे आने वाला था मैं टू पे आने वाला था और टू के जो नोड्स है दैट इज़ ओनली दिस इज़ टू एंड टू एक्चुअल में इस वन से भी जुड़ता है इस वन से भी जुड़ता क्योंकि उन दोनों का वैल्यू इस थ्री से नहीं जुड़ता बट इतना इतना तो बन ही जाता ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इतना पार्ट तो तुम डिज़ाइन कर ही देते क्योंकि टू के जो नेबर्स है और जिसका वैल्यू उनसे कम है दैट इज दीज टू वनस ठीक है तो इतना पार्ट तो ग्राफ का बन जाता फिर तुम इस पे आते जो थ्री वन कॉमा और फोर पे यहाँ पर तुम क्या करते आ, तुम ये वाले नोड को जोड़ते क्योंकि इसका नेबर वो छोटा है ठीक है तुम बेसिकली उनका यूनियन करते सिमिलरली इसका भी यूनियन होता है इस वाले टू के साथ तो दोनों नोड्स बेसिकली कौन से एजेस का यूनियन होता uh, ये वन कामा जीरो वाला नोड ये जो ऊपर क्योंकि थ्री वाले नोड पे हम अभी कंसिडर करें और उसका जीरो से छोटा है एंड यहाँ पे एक और एक और यूनियन होता दैट इज़ फोर कामा टू वाला नोड अभी तुमने जब एक बार कोड में यूनियन कर दिया ना तुम फिर लास्ट में आके चेक करोगे क्या ये दोनों थ्री सेम पेरेंट में है या नहीं मतलब यू वोंट चेक दैट बेसिकली नाउ यू वुड गेट द पेरेंट्स ऑफ कौन कौन से नोड्स तुमने जिन जिन का यूनियन किया ये तुमने थ्री का यूनियन किया राइट तो बेसिकली तुमने वन एंड फोर का यूनियन किया उनका वैल्यू थ्री है तो अगर तुम्हें डी एस यू पढ़ लोगे ना एक बार लाइक तुम्हें बेटर समझ आएगा पेरेंट का लॉजिक कहाँ से आ रहा है तो अगर ये वाला नोड विच इज़ वन नोड ये वन वाला नोड एंड फोर वाला नोड इन दोनों का वैल्यू थ्री है विद वैल्यू थ्री अगर बोथ सेम पेरेंट में है दोनों सेम पेरेंट में तो अगर तुम उनके पेरेंट का फ्रीक्वेंसी निकालो अगर तुम उनके पेरेंट का फ्रीक्वेंसी निकालो तो वो दो आएगा पेरेंट का फ्रीक्वेंसी दो आएगा इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया कि एक पेरेंट ऐसा मिल गया जो कनेक्ट हो रहा है और थ्री वाला वैल्यू वाला नोड उसमें दो बार आ रहा है अभी जब ऐसा हो रहा है तुम्हें अभी अगर तुम्हें पता चल गया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें थ्री दो बार आ रहा है यू विल डू इज टू इन टू प्लस वन बाई टू अभी लाइक अभी ये वाली चीज़ क्यों की तो अगर तुम देखोगे अगर एक ही नोड है तो तुम्हारे आंसर में एक ऐड होगा अभी अगर एक सेकेंड नोड आ रहा है तो सेकेंड नोड क्या क्या एडिशन करेगा सेकेंड नोड एक तो खुद का वैल्यू आंसर में ऐड करने वाला है और एक उस वाले नोड के साथ मिलकर आंसर एक ऐड करने वाला है सो तो ये तुम्हें प्लस आ, टू का एडिशन देगा अब एक थर्ड नोड और अब अभ, अभी अगर एक थर्ड नोड आता है सो ये तुम्हें क्या देगा ये तुम्हें एक तो खुद के साथ आंसर देगा प्लस वन और एक तुम्हें ये जो दो ऊपर नोड्स है उनके साथ आंसर देगा मेकिंग अ टोटल ऑफ प्लस थ्री सो जब भी एक न्यू नोड तुम्हारे स्ट्रक्चर में ऐड होता है यू वुड बेसिकली गेट उतना लाइक like, उतना एडिशनल वैल्यू सो इन दी एंड यू वुड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर पेरेंट एंड देन यू वुड सिंपली सपोज इसका वैल्यू आया एन इसका वैल्यू आया एन एंड देन योर आंसर इज़ तुम तुम आंसर में प्लस प्लस करोगे आंसर में प्लस इक्वल्स टू एन इन टू एन प्लस वन बाई टू एन इन टू एन प्लस वन बाय टू फिर ये तुम आंसर में ऐड कर लोगे एक बार तुम्हें लाइक तुम दो चीज़ समझ लो मेरे को पता था मैंने थोड़ा वियर्ड वे में समझाया ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज अगर मैं कोई एजेस का यूनियन कर रहा हूँ और उनका पेरेंट्स सेम है तो बेसिकली अगर तुम अभी देखोगे लाइक तुम्हें ये पार्ट तो समझ नहीं आएगा ये फाइंड कैसे ये फाइंड क्या कर रहा है और ये कंबाइन क्या कर रहा है अगर डी एस यू नहीं पढ़ा बट इफ़ यू नो डी एस यू नाउ लाइक इफ यू हैव रेड दैट आर्टिकल तुम अगर देखोगे तो मैं बस उन्हीं नोट्स और मैंने सारे नोट्स को पहले एक मैप में डाल दिया है तो अभी जब मैं मैप में इटरेट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड वैल्यू में मेरे नोट्स इटरेट हो रहे हैं तो अगर मैं अपने नेबर्स में जा रहा हूँ मैं अपने एजेंसेंसी ग्राफ एजेंसी लिस्ट में जा रहा हूँ और मेरे को अपने ऑपोजिट अगर कम वैल्यू वाला नोड मिल रहा है तो मैं तभी उसको कम्बाइन कर रहा हूँ ये मेरे डी का यूनियन है मैं उन्हें तभी कम्बाइन कर रहा हूँ एंड लास्ट में मैं जिन जिन नोट्स का सपोज मैं थ्री पे था और मैं वन और फोर का पेरेंट चेक करूँगा कि उनका पेरेंट क्या है अगर उनका पेरेंट सेम है तो मेरा ये फ्रीक्वेंसी उनका बढ़ता जाएगा अगर ये थ्री और थ्री दोनों थ्री का पेरेंट सेम आता है मतलब ये लोग सेम स्ट्रक्चर में आ चुके हैं और हम लोग तो नोड्स वैसे ही अटैच कर रहे हैं न कि हमारा एक्चुअल ग्राफ हमेशा रिटेन रहे कि हमारा ग्राफ हमेशा सही रहे और हम ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहे हैं तो मुझे पता है कि मेरे बीच जो भी नोड्स हैं अभी तक उनका वैल्यू मेरे से कम ही है तो आई वुड फाइंड दैट एंड मैं फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दूँ एंड इन दी एंड आई वुड सिंपली इंक्रीज बाय द सम ऑफ एंड नंबर्स बाय सम ऑफ एंड नंबर्स क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब जब तुम्हारा एक नोड एक्स्ट्रा एड होता है तुम्हारे स्ट्रक्चर uh, में एंड वो जैसे थ्री अगर मैं यहाँ पर एक और थ्री डाल देता ना वैलड थ्री तो वो एक इस वाली थ्री से कनेक्ट करता एक इस वाली थ्री से कनेक्ट करता और एक खुद से कनेक्ट करता तो वो तीन और आंसर्स तुम्हें ला के देता सो दैट्स व यहाँ पे एन इन टू एन प्लस वन बाई टू हुआ है एक बार वो समझ लेना डी एस यू फिर इसको अगर तुम एक बार ड्राई रन करोगे ना सिमुलेशन क्योंकि तो लाइक यूल अंडरस्टैंड कि कैसे कंबाइन काम कर रहा है एंड ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है जस्ट इस, मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें ये जानना है कि मैंने जिन जिन नए नोट्स को कम्बाइन किया क्या उनका पेरेंट सेम है अगर उनका पेरेंट सेम है तो मेरे को ये वाला फार्मूला लगाना है और अगर पेरेंट एक भी है तो मुझे आंसर में लाइक मुझे एक का कॉन्ट्रीब्यूशन तो वैसे भी मिलने वाला है सो दैट इज़ इट बट इट लाइक यू मोस्टली डी एस यू पर लाइक दिस क्वेश्चन विल रिलाई ऑन डी एस यू लाइक इफ आई गेट माई पेन टैबलेट आई विल री एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बट हाँ तुम्हें हाई लेवल ओवर यू मिली गया होगा एडिटोरियल का दैट्स एट बाय बाय